हेलो एवरीवन वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल सबक्राइड योर नॉलेज मैं हूं आपका दोस्त विशाल आजम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स एलेवंथ जून से लेके सेवेंटीन जून तक तो चलो फिर इस वीक के करंट अफेयर शुरू करते हैं इस वीक का फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स टू टू बी हेल्ड इन बिस सिटी तो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2023 किस सिटी में आयोजित की जाएंगी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन बर्लिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द ग्राफिक नोबल टाइटल अजय टू जोगी आदित्यनाथ तो ग्राफिक नोवल टाइटल अजय टू जोगी आदित्यनाथ के ऑथर कौन हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन शांतनु गुप्ता नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एग्री टू सेंशन रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड इलेवन करोड़ टू बीच स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोलावरम प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट को ट्वेल्व नाइन हंड्रेड इलेवन करोड़ सेंशन एग्री किए हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बिच बैंक हैज लॉन्च ए न्यू क्रेडिट कार्ड मिलनिया तो किस बैंक ने नया क्रेडिट कार्ड मिलनिया लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन एच डी एफ सी बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच बैंक हैज लॉन्च ए सेविंग प्रोग्राम रिजर्व फॉर जू एच एन आई एस एंड एच आई एन एस तो किस बैंक ने यू एच एन आई एस एंड एच एन आई एस के लिए सेविंग प्रोग्राम रिजर्व लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन कोटक महिंद्रा बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच स्टेट यूटी कन्फेड द ग्रीन चैंपियन अवार्ड्स 2022। तो किस स्टेट या यूटी को ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी ऑप्शन तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो अलोंग विद विच कंट्री होस्टड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन तो इसरो ने किस कंट्री के साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन होस्ट किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी ऑप्शन इटली द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द इटालियन स्पेस एजेंसी एंड द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन तो इसरो ने इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ और इंटरनेशनल ऑफ ऑफिक्स के एस्ट्रोनॉटिक्स के साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन को होस्ट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन हैज़ बीन कन्फर्ड विद विद विच यू आई तो किस स्टेट के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को यू अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन केरला यू आई टी पी मेन यूनियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट पब्लिक्स अवार्ड हैज़ कन्फेर्ड रिसेंटली टू द केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तो यू आई टी पी अवार्ड केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोबा डैम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री तो न्यूज़ में सीन कोकोवा डैम किस कंट्री में लोकेटेड है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन यूक्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप द फिफ्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स इन द स्मॉलर स्टेट्स तो किस स्टेट ने स्मॉलर स्टेट्स में फिफ्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन गोवा यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर Mansukh मांडविया हैज़ unveiled द fifth स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का अनवील किया है द लार्जस्ट स्टेट्स केरला सिक्योर द टॉप रैंकिंग तो लार्जेस्ट लार्जस्ट स्टेट्स में केरला ने टॉप रैंकिंग हासिल की है फॉलो बाय पंजाब एंड तमिलनाडु जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली एंड चंडीगढ़ सिक्योर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक्स रिस्पेक्टिवली अमंग द यूनियन टेरिटरीज तो यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच कंट्री होस्टेड द दिक्सथ एडिशन ऑफ एक्साइज एकथा तो किस कंट्री ने एक्साइज एकथा का सिकस्थ एडिशन होस्ट किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन मालदीव नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज ओपन द फ्रेंच ओपन 2023 वुमेन्स सिंगल टाइटल तो फ्रेंच ओपन 2023 थाउजेंड वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन आईगा स्वाइटेक फ्रॉम पोलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ज बॉन द फ्रेंच ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मैं सिंगल टाइटल तो फ्रेंच ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मैंज सिंगल टाइटल किसने जीता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नोवक जोकोबिक फ्रॉम सर्बिया नोवक जोकोबिक बीट्स कैसपर रूड टू बी ट्वेंटी थर्ड ग्रैंड स्लैम टाइटल तो नोवक जोकोबिक ने कैस्पर रूड को हरा कर अपना ट्वेंटी थर्ड ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सी ओ ऑ आफ़ दूनिक आइडेंटिफिकेसन अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो यूनिक आइडेंटिफिकेसन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सी ओ के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन अमित अग्रवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बिच कंट्री वोन द एफ आई एच प्रो लीग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री हेल्ड इन इन दोवन द नैदरलैंड तो नेदरलैंड्स के इंदोवन में आयोजित एफ आई एच प्रो लीग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री को किस कंट्री ने जीता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन नितिन अग्रवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023 तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023 की थीम क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन बीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आई आई टी स्मार्ट बायोडिग्रेडेबल माइक्रोजेल्स तो किस आईआईटी ने स्मार्ट बायोडिग्रेडेबल माइक्रोजेल्स को डेवलप किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये ऑप्शन आईआईटी आई नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सी जून 2023 रिपोर्ट व्हाट इज द अनएम्प्लायमेंट रेट इन इंडिया इन मई 2023 तो जून 2023 में सी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मई 2023 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर या ऑप्शन 7.7 परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल कैंपेन अडिक्शन फ्री अमृत काल तो किस इंस्टीट्यूशन ने नेशनल कैंपेन अडिक्शन फ्री अमृत कॉल लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन एन सी पी सी आर द नेशनल कैंपेन अडिक्शन फ्री अमृतकॉल हैज रिसेंटली लॉन्च बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो नेशनल कैंपेन अडिक्शन फ्री अमृतकाल रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा लॉन्च किया गया है द थीम ऑफ वर्ल्ड नो तो डे दिस ईयर इज वी नीड फूड नाट टोवैको नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने अलॉन्ग विदविच कंपनी तो मिनिस्ट्री ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने किस कंपनी के साथ अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन मेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च द मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च अलोंग विद विच यूनिवर्सिट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किस मिनिस्ट्री के साथ मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ रिनेबल इनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च ए न्यू स्कीम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना फॉर वुमेन एम्पावरमेंट तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए न्यू स्कीम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च की है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन मध्य प्रदेश रिसेंट स्कीम कैंपेन लॉन्च बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लाडली बहना स्कीम सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम लाडली लक्ष्मी 2.0, पॉइंट जीरो लॉन्स पैड स्कीम पंख अभियान सिकल सेल मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव अंडर अमृत जल क्रांति तो अमृत जल क्रांति के अंडर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023 से लेके 25 तक किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन हरियाणा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 एक्स एक्बेरियन ए बाइलेटेड एनुअल एक्साइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन विच इंडियन सिटी तो एक्स कुबेरियन एक एनुअल एक्साइज है इंडिया और मालदीव के बीच इसे किस इंडियन सिटी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो है? उत्तराखंड स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च माई अकाउंट माई नेम फॉर सेविंग्स बैंक अकाउंट कस्टमर्स तो किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट्स कस्टमर के लिए माय माय अकाउंट माय नेम लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इंडियन ओवरसीज बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिबियो बलुस्कोनी हु पास्ड अवे एट 86 सिक्स बाज ए फॉर्मर पी ऑफ बिच कंट्री तो सिलिबियो बलुस्कोनी का 86 सिक्स ईयर में निधन हो गया वह किस कंट्री के फॉर्मर पीएम थे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इटली नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इज बिंग ऑर्गेनाइज इन विच इंडियन सिटी तो वर्ल्ड कप स्क्वैश चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की इंडियन सिटी में ऑर्गेनाइज़ की जा रही है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन चेन्नई नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर ए बुक टाइटल द स्नो फॉरेस्ट तो बुक टाइटल स्नो फॉरेस्ट के ऑथर कौन है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन एलिजाबेथ गिलवर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल अल्बिनिजम अवेयरनेस डे 2023 तो इंटरनेशनल अल्बिनिजम अवेयरनेस डे 2023 की थीम क्या है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून थर्टीन तो इंटरनेशनल अलविनिजम अवेयरनेस डे एनुअली जून थर्टीन को ऑब्जर्व किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच नॉर्थ ईस्ट स्टेट यूटी रिसेंटली रिलीज द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स तो किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट या यूटी ने रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश यूटी वाइज इसको रिलीज़ किया है जैन के ने नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच स्पेस एजेंसीज रिसर्च कंडक्टेड फ्राइड फूड फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट तो किस स्पेस एजेंसी ने फ्राइड फूड फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यूरोपियन स्पेस एजेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच कंट्री विल रिलीज द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बोंड तो कौन सी कंट्री वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बोंड रिलीज करेगी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भी ऑप्शन इसराइल अबाउट इसराइल इसराइल की कैपिटल है जेरूशैलम करंसी है शकील प्रेजिडेंट हैं इसराइल के ईसाक हरजोक और पीएम एम है बेंजामिन नेतनजाहो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया हैज मॉन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीत लिया है इंडिया को डिफीट करके द फाइनल मैच ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन थ्री बिच स्टेडियम तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन द ओवल क्रिकेट ग्राउंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सी एम डी ऑफ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सी एमडी के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन संजय स्वरूप रिसेंट अपॉइंटमेंट चेयरमैन ऑफ द हिंदू ग्रुप निर्मला लक्ष्मण सेवेंटी एट्थ यू एन जी ए प्रेजिडेंट डेनिस फ्रांसिस डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनार्दन प्रसाद प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अब्दुल्ला ए आई मंतोस नैक्स क्वेश्चन है इन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ए बुक टाइटल रेबल अगेंस्ट द राज बैस्टन फाइट्स फॉर इंडियाज फ्रीडम बॉर्न द इलिजाबैथ लॉन्गफोर्ड फोड प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो बुक टाइटल रैबल अगेंस्ट द राजज बैस्टन फाइट्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने एलिजाबेथ लॉन्ग फूड प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जीता है इसे किस ऑथर के द्वारा लिखा गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन रामाचंद्रा गुहा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पावर सेक्रेटरी तो न्यू पावर सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन पंकज अग्रवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑब्जर्व एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल नेम राजा फेस्टिवल इन मिड जोन तो किस स्टेट ने मिड जोन में राजा फेस्टिवल नेम एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑब्जर्व किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इज ऑब्जर्व ऑन जून 14? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 की थीम क्या है जिसे जून 14 को ऑब्जर्व किया जाता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौरमाक मैक्रथी हु पास वे बाजे ए बैतरन तो कौरमक मैक्रथी का निधन हो गया वह एक फेमस बैतरन थे सी ऑप्शन नोबेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 बिच बैंक हैज पार्टनर विद हवल टू तो लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्पेंडिंग अकाउंट तो किस बैंक ने इंडिया का फर्स्ट स्पेंडिंग अकाउंट लॉन्च किया है हवल के साथ पार्टनरशिप करके तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन फिनो पेमेंट बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैज अबॉर्डेड एक्रेडिटेशन एज उत्तम बाई द नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तो किस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा अथमी उत्तम एज एक्डिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अभी ऑप्शन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर समृद्धि इज एन इनिशिएटिव ऑफ बिच यूनिवर्सिटी तो सागर समृद्धि किस यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे वे एम टू असेलरेट द बेस्ड टू वेल्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच यूनिवर्सिटी अनाउंस द अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान तो किस यूनिवर्सिटी ने अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान अनाउंस किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अभी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए न्यू स्कीम टू रिवॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग इलीगल बेस्ड डंपिंग ऑन रोड्स तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम रिवॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग इलीगल बेस्ड डंपिंग ऑन रोड लॉन्च की है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन केरला अबाउट केरला केरला के सीएम एम है पिनराई विजयन गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान लोकसभा है केरला में ट्वेंटी राज्यसभा है नाइन स्टेट एनिमल है केरला का इंडियन एलिफेंट स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉनबिल नेशनल पार्क है केरला के अन्नामोडी शोला नेशनल पार्क इराविकोलम शोला नेश इराविकोलम नेशनल पार्क मथिकटन शोला नेशनल पार्क पेमाडम शोला नेशनल पार्क पैरियार नेशनल पार्क साइलेंट वैली नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट कैनेडियन चैंपियन टू बिन आर बी सी कनेडियन ओपन तो आर बी सी कनेडियन ओपन को जीतने वाला फर्स्ट कैनेडियन चैंपियन कौन बन गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन निक टेलर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच इंडियन सिटी बिल होस्ट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसिस एनुअल कॉन्फ्रेंस इन फेबररी 2025 तो किस इंडियन सिटी में फरवरी 2025 को एनुअल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस को होस्ट किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन कोची थीम नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल अबाउट डबल आई एस इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी नाइनटीन थर्टी को इसका हेडकोर्टर है बेल्जियम के बरूसिल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द रैंक ऑफ एन टी पी सी इन द टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फॉर्ब्स द ग्लोबल टू थाउजेंड रिलीज इन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो जून 2023 में रिलीज़ 2023 थाउजेंड ट्वेंटी दी ग्लोबल 2000 में एन का रैंक क्या है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी ऑप्शन फोर हंड्रेड में रैंक था फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विच रशियन बैंक हैज़ लॉन्च इंडियन रुपी अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स तो किस रशियन बैंक ने इंडिविजुअल्स के लिए इंडियन रुपी अकाउंट लॉन्च किया है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन एस बी आर बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल ऑफ गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय सेंट्रल बैंकिंग इन लंडन तो सेंट्रल बैंकिंग इन लंडन के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के टाइटल के साथ किसे सम्मानित किया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन शक्तिकांता दास The Reserve Bank of India's Governor, Shaktikanta Das was honored with the title of Governor of the Year 2023 by Central Banking in London. तो RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास को Central Banking in London के द्वारा Governor of the Year 2023 से 23 के टाइटल के साथ सम्मानित किया गया है। Next question है, In June 2023 विद स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए मंथली पेंशन स्कीम रुपीज़ टेन थाउजेंड फॉर ददमा अवार्ड्स फ्रॉम द स्टेट तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट के पदमा अवार्ड्स के लिए रुपीज़ टेन थाउजेंड ए मंथली पेंशन स्कीम लॉन्च की है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन हरियाणा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डी बी लोन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग सब ट्रॉपिकल हॉर्टीकल्चर इरीगेशन एंड वैल्यू ऑडिशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट यू टी तो ए डी बी ने किस स्टेट या यूटी के साथ सब ट्रॉपिकल हॉर्टीकल्चर इरीगेशन एंड वैल्यू ऑडिशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश एम टू प्रमोट हॉर्टीकल्चर इन द स्टेट अबाउट हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला समर में धर्मशाला विंटर में चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू डेपूटी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर न्यूज़ इनको आप चेक कर लेना अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ऑर्गेनाइज द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट तो किस कंट्री ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट ऑर्गेनाइज की है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च विज्ञान विदुषी प्रोग्राम तो किस इंस्टीट्यूशन ने विज्ञान विदुषी प्रोग्राम लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन टी आई एफ आर इसकी फुलफॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नेक्स्ट क्वेश्चन है थीपाचा पुथावॉन्ग हैज़ मोन द आई सी सी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो मई मंथ के लिए थिपाचा पुथावोंग ने आई सी सी वोमेंस प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवार्ड जीता है शी इज़ फ्रॉम बिच कंट्री तो ये किस कंट्री से हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन थाईलैंड आयरलैंड हैरी टेक्टर हैज बॉर्न द आई सी सी मैंज़ प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो आयरलैंड के हैरी टैक्टर ने मई मंथ के लिए आई सी सी मैंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है आई सी सी मैंस प्लेयर ऑफ़ दी मंथ टू थाउजेंड रिवाइज कर लेते हैं जनवरी मंथ का अवार्ड मिला है शुमन गिल को इंडिया से फेबररी मंथ में हैरी ब्रॉक इंग्लैंड से मार्च मंथ में शाकिब अल हसन बांग्लादेश से अप्रैल मंथ का अवार्ड मिला है फाकिर जमन को पाकिस्तान से मई मई टू का अवार्ड मिला है हैरी टैक्टर को आयरलैंड से आई सी सी वुमेंस प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवार्ड टू जनवरी मंथ का अवार्ड मिला है ग्रेस स्क्रीवंस को इंग्लैंड से फेबररी मंथ का मिला है एशली गार्डन गार्डनर को मार्च मंथ का अवार्ड मिला है हैनरित ईशिमाबे रवांडा से अप्रैल मंथ का अवार्ड मिला है नॉर्मल चाई थाईलैंड से मई मंथ का अवार्ड मिला है थिपाचा पोथावॉन्ग थाईलैंड से नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच कंट्री बोन द फीफा अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड कप टाइटल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो किस कंट्री ने फीफा अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड कप टाइटल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जीता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी ऑप्शन उरागाए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज सुक्सीडेड बैरी फेरल टू बी अपॉइंटेड एज न्यू ऑस्ट्रेलियाज हाई कमिश्नर टू इंडिया तो बैरी फेरल को सुक्सीड करके इंडिया में ऑस्ट्रेलिया का नए हाई कमिश्नर किसे अपॉइंटेड किया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन फिलिप ग्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्त गैस लिमिटेड तो इंद्रप्रस्त गैस लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी ऑप्शन कमल किशोर चैतीवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है अलोंग विद पाकिस्तान विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2023। तो पाकिस्तान के साथ कौन सी कंट्री एशिया कप 2023 को होस्ट करेगी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन श्रीलंका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 थाउजेंड स्टेट विल बी कन्फेड विद फोर्थ नेशनल अवार्ड्स इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी तो किस स्टेट को बेस्ट स्टेट कैटेगरी में फोर्थ नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन मध्य प्रदेश द वाइस प्रेजिडेंट जगदीप दंकर विल कन्फेयर द फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स ऑन जून 17, 2023 इन न्यू दिल्ली तो वाइस प्रेजिडेंट जगदीप दंकर न्यू दिल्ली में 17 जून को फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स प्रदान करेंगे द बेस्ट स्टेट अवार्ड विल वी कन्फेर टू मध्य प्रदेश तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को मिला जाएगा जबकि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिलेगा उड़ीसा की गंजम डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट विलेज पंचायत का अवार्ड मिलेगा जगन्नाथ जगन्नाथापुरम विलेज पंचायत तेलंगाना बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूसेज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रियासी जम्मू कश्मीर को मिलेगा बेस्ट स्कूल जमीतापुरा प्राइमरी स्कूल गुजरात बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी गार्ड अवार्ड मिलेगा चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन का अवार्ड मिलेगा संजीवनी पियात सहकारी मंडली लिमिटेड नर्मदा गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विथ्स इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप ए मोबाइल एयर पोल्यूशन मोनिटरिंग फ्रेमवर्क तो किस इंडियन इंस्टीट्यूशन ने मोबाइल एयर पोल्यूशन मोनिटरिंग फ्रेमवर्क डेवलप किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी ऑप्शन आईआईटी मद्रास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विच आर्म फोर्स हैज़ ऑर्गेनाइज ए आउटरीच प्रोग्राम टू लद्दाख नेम झूले लद्दाख तो किस आर्म फोर्स ने नेम झूले लद्दाख लद्दाख तक एक आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी ऑप्शन इंडियन नेवी अबाउट इंडियन नेवी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार बाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी आर हरि कुमार हैं और जी संजय जसजीत सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनी मैरियोथ हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश एनबो टू बिच कंट्री तो जैनी मैरियोथ किस कंट्री की फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश एनबो बन गई है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन पाकिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द नेशनल टाइम रिलीज स्टडी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट तो किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट रिलीज़ की है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया टैक्सीज एंड कस्टम्स बी ऑप्शन चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंड एक्स एंड कस्टम विवक विवेक जोरी हैज़ रिलीज द नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट तो विवेक जोरी ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट रिलीज की है टाइम रिलीज स्टडी इज ए परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्रूव द डील फॉर एक्वारिंग द एम रिपेयर कंट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस कंट्री से प्रडिटर एम क्यू नाइन रिपेयर ड्रोन्स एक्वायर करने के लिए डील अप्रूव की है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस् सिटी होस्टड द जी ट्वेंटी डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन इंडिया तो इंडिया में किस सिटी में जी ट्वेंटी डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट की है होस्ट की गई है यह तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन वाराणसी वाराणसी में इस मीटिंग को होस्ट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यू तो इंडिजीनियस ग्रुप इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री तो ह्यू तो इंडिजीनियस ग्रुप तो तो, किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन कोलंबिया तो इस बी के करंट अफेयर की वीडियो बस इतन तक की थी मिलता मिशाल आपसे नेक्स्ट वीडियो में हर रोज कुछ नया सीखते रहो और अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहो जय हिंद जय जा भारत